हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स कि हम कंपास को यूज करके कैसे अलग अलग तरह के एंगल्स बना सकते हैं। जितने भी एंगल्स पॉसिबल हैं जो हम कंपास की हेल्प से बना सकते हैं, आज हम सभी वो एंगल्स सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे 60 डिग्री का एंगल बनाना। तो 60 डिग्री का एंगल बनाना सबसे ईजी होता है। तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन लगानी है नीचे, बेस लाइन जिसको हम बोलेंगे। ये हमारी बेस लाइन हो जाएगी। अब इसका जो एंड पॉइंट है, इस लाइन के एंड पॉइंट पे किसी भी मेजर की कंपास खोल सकते हो आप। कोई कंडीशन नहीं है कि कितनी खोलनी है, इसकी कंपास खोलो, जितनी भी खोलनी है आपको खोल सकते हो। तो यहां इसके एंड पॉइंट पे, इस लाइन के एंड पॉइंट पे हमें कंपास की सुई रखनी है और इस पे एक आर्क लगानी है। उसके बाद हमें जहां कंपास को बिना हिलाए, कंपास को हिलाना नहीं है, जहां से ये आर्क शुरू हो रही है वहां पे सुई रखेंगे, कंपास की नोक रखेंगे और यहां पे इसको कट करेंगे। तो ये वाली लाइन, जो लाइन इसमें से होके गुजरेगी, इस क्रॉस में से होके गुजरेगी, वो हमारा एंगल होता है 60 डिग्री का। तो ये बन गया हमारा 60 डिग्री का एंगल। ये एंगल है हमारा 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का एंगल बनाना सबसे आसान होता है। अब 60 डिग्री के बाद हम जानेंगे 30 डिग्री का एंगल बनाना। सेकंड है हमारा 30 डिग्री का एंगल। 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए जो है वो हमें 60 डिग्री का बनाना आना चाहिए। जब तक हम 60 डिग्री का नहीं बनाना आएगा तब तक हमें, हम 30 डिग्री का नहीं बना सकते, क्योंकि जो है वो 30 डिग्री का 60 डिग्री की हेल्प से बनेगा। तो अब हम बनाएंगे 30 डिग्री का एंगल। तो उसके लिए भी पहले एक बेस लाइन लगाएंगे, इसके एंड पॉइंट पे जहां पे ये खत्म हो रही है वहां पे हमने कंपास की नोक को रखना है और इस पे एक आर्क लगाने देनी है। मींस कि बेसिकली हमें पहले कौन सा एंगल बनाना है, हमें बनाना है 60 डिग्री का। तो हम पहले 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री का एंगल। अब भले तो आप चाहो तो यहाँ पे लाइन लगा सकते हो, क्योंकि अगर आपको चाहिए कि आपको लाइन लगानी है तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा देता हूँ क्योंकि मुझे ये एंगल चाहिए नहीं है, मुझे तो एंगल जो है वो 30 डिग्री का बनाना है। तो मैं यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ करूंगा वो डॉटेड लाइन ड्रॉ करूंगा, सिर्फ आपको शो करने के लिए। इसको बिना ड्रॉ किए भी, लाइन को बिना ड्रॉ किए भी हम जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना सकते थे। तो ये हमारा कौन सा एंगल बन गया, ये बन गया हमारा 60 डिग्री का एंगल। 30 का बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस एंगल का बाइसेक्ट करना है। मींस कि जहां पे ये कटर कर रही थी वहां पे हमें कंपास रख के एक आर्क लगानी है। सेम हमें इसके दूसरे कॉर्नर पे जहां पे ये खत्म हो रही थी, जहां से शुरू हुई थी वहां पे रख के भी इसको काटेंगे। इस क्रॉस में से जो लाइन जाएगी वो हमारा एंगल होगा 30 डिग्री का। तो ये एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री का, ये वाला एंगल। ये एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री का। ये पूरा था 60 डिग्री का और ये वाला हमें बना है 30 डिग्री का। कैसे बना, पहले तो हमने 60 डिग्री का ही बना लिया, फिर क्या करना है हमें 60 डिग्री के एंगल पे एक बार यहाँ पे रख के कर आर्क लगानी है, एक बार यहाँ जहां पे ये वाली लाइन है इस लाइन के ऊपर जो है वो हमें कंपास को रख के आर्क लगानी है। जहां पे ये कट करेंगे वहीं पे हमारा 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम नेक्स्ट जानते हैं, 60 का हो गया, 30 का हो गया, अब हम जानेंगे 15 डिग्री का कैसे बनाना है। तीसरा एंगल सीख रहे हैं हम 15 डिग्री का बनाना। 15 डिग्री बनाने के लिए आपको आना चाहिए 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री के एंगल को अगर हम बाइसेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो है वो 15 डिग्री का एंगल बनता है। अब क्या है, सेम हम पहले 30 डिग्री का एंगल बना लेंगे। पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, 30 डिग्री का एंगल बनाना है। 30 डिग्री का बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले बनाना होगा 60 डिग्री का। 60 डिग्री का कैसे बनता है, आर्क लगानी है पहले और सेम मेजर की हमें यहां पे कंपास की नोक रख के यहाँ पे कट लगाना है। ये हमारा बन गया 60 का। अब 30 का बनाना है, 30 का क्या करना है, यहां से यहां पे एक आर्क और यहां से
यहां पे एक आर्क, ये हमारा कौन सा बन गया, ये हमारा बन गया 30 डिग्री का। 30 डिग्री को डॉटेड से शो कर लेता हूं आपकी कन्वीनियंट के लिए। ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 30 डिग्री का, ये वाला एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री का। आपकी कन्वीनियंट के लिए 60 का भी बना देता हूं, ये वाला हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का, ये हो गया हमारा 60 डिग्री का एंगल। ये वाली लाइन 30 डिग्री की है, ये वाली लाइन 60 डिग्री की। अब हमें कौन सा बनाना है, अब हमें बनाना है 15, अब हमें बनाना है 15 डिग्री का। तो यहां पे इसको मिला लेते हैं एक बार। तो क्या करना है, 15 डिग्री का बनाने के लिए हमें ये जो 30 डिग्री वाली लाइन है यहाँ पे कंपास को रखना है, और यहाँ पे एक आर्क लगेगी, और जहां से ये आर्क शुरू हो रही थी वहां पे लगेगी, जहां पे ये कट कर रही है उनके बीच में से जाती हुई जो लाइन होगी हमारी, वो हमारा 15 डिग्री का एंगल होगा। तो हमारा 15 का एंगल कहां बनेगा, ये इन दोनों के बीच में ऐसे करके, ये हमारा हो गया 15 डिग्री का। ये वाला एंगल कितना हुआ, ये वाला एंगल हो गया हमारा 15 डिग्री का, ठीक है। 60 का आर्क लगानी है और उसको एक कट देना है, वो हमारा 60 बन गया। 60 का बाइसेक्ट करेंगे तो 30 डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 15 डिग्री का बन जाएगा। ये हो गया हमारा 15 डिग्री का भी हो गया, 30 का भी हो गया, 60 का भी हो गया। अब हम बनाते हैं 120 डिग्री का, ठीक है। नेक्स्ट हम बनाएंगे एंगल 120 डिग्री का, 120 डिग्री। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें एक बेस लाइन चाहिए। तो एक बेस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसकी, तो ये होगी हमारी बेस लाइन 120 का बनाने जा रहे हैं। तो क्या करना है, इसी पॉइंट पे हमें एक आर्क लगानी है, वैसी जैसे 60 डिग्री के लिए लगाई थी ऐसे आर्क लगा देनी है। ये आर्क होगी, अब हमें यहां पे रख के 60 डिग्री के एंगल की लाइन लगानी है। ये हो गया हमारा 60 डिग्री का। अब जो ये 60 डिग्री वाला बना था, 60 वाले डिग्री पे कंपास की सुई रख के यहाँ पे एक और आर्क लगानी है। तो ये जो आर्क जहां पे ये कट करेगी वहां पे हमारा बनेगा 120 का। क्या करना है, पहले आर्क लगानी है, फिर यहाँ पे रख के 60 डिग्री का लगाना है, फिर ये वाली पे रख के जहां पे ये कट मिल रहे हैं, दोनों लाइनें आपस में मिल रही है, वहां पे कंपास को रख के यहाँ पे 120 का। तो ये वाली लाइन कौन सी होगी, ये 120 डिग्री का एंगल बनेगी। तो ये हो गया हमारा 120 का। ये एंगल हो गया हमारा 120 डिग्री, ये एंगल हुआ 120 पूरा, ये एंगल हो गया हमारा 120 डिग्री का। तो हमने कौन कौन सा सीख लिया, हमने 60 का सीख लिया, 30 का हो गया, 15 का हो गया, 120 का हो गया। अब हम बनाएंगे 90 डिग्री का। 90 डिग्री का बनाने के लिए, 90 डिग्री का सबसे आसान होता बनाना, 90 डिग्री का काफी यूज भी होता है, तो 90 डिग्री को अच्छे से सीखेंगे। तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे, पहले हम इसकी बेस लाइन ड्रॉ करते हैं। ये होगी इसकी बेस लाइन। फिर क्या करना है, बेस लाइन पे कंपास को रख के सेम वैसी आर्क लगानी है हमें जैसे 60 डिग्री के वाले में लगाई थी। ये हो जाएगा हमारा आर्क उसकी, फिर यहां पे रख के पहले 60 डिग्री का बनाना है, फिर यहां पे रख के 120 का बनाना है। अब क्या करना है, कंपास को नहीं हिलाना है, कंपास को वैसे ही रखेंगे। अब जो ये 120 वाली है इस पे कंपास को रख के यहां पे एक कट लगाना है, और एक ये 60 वाले पे रख के यहां पे कट लगाना है, जहां पे ये आपस में मिलेंगी वहां पे हमारा एंगल क्या बनेगा, वहां पे हमारा बनेगा 90 डिग्री का एंगल। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का, ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का भी हो गया। अब हम देखेंगे कि 75 का एंगल कैसे बनाते हैं। अब हम देख रहे हैं 75 डिग्री का, 75 डिग्री का कैसे बनेगा, वो बनेगा 60 और 90 के बीच में, 60 और 90 डिग्री के बीच के एंगल के बीच जो एंगल बनता है, वो एंगल हमारा जो है होता है 75 का। तो वैसे पहले बेस लाइन ड्रॉ करेंगे,
होगी हमारी बेस लाइन, इस पे हम पहले तो क्या बनाएंगे, पहले इस पे हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इस पे अब 90 डिग्री का भी एंगल बनाना है, 90 और 60 के बीच का जो एंगल होगा उसको हम बोलते हैं 75 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री का। ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री का, ये हो गया 90 डिग्री का, 60 का कहां पे है, 60 का हमारा ये रहा, यहां पे हमारा 60 डिग्री का बनना, उसको डॉटेड से बना लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का। हमें कौन सा बनाना है, हमें बनाना है 75 का, तो वैसे ही करेंगे, पहले 90 वाले पे यहां पे रख के एक आर्क लगानी है यहां पे, फिर अब ये जो 60 वाला है इस पे यहां पे रख के एक आर्क लगानी है, तो ये बन जाएगा हमारा 75 का। तो यहां से बीच में से लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारा बन गया 75 डिग्री का, ये वाला जो एंगल है हमारा ये वाला, ये एंगल हो गया हमारा 75 डिग्री। हमें बस बाइसेक्ट करते रहना, जो भी आपका, जैसे कि जब हमें 15 डिग्री का बनाना है तो हमें 30 का बाइसेक्ट करना है, जब हमें 45 का बनाना है तब हमें 90 का बाइसेक्ट करना है, 15 का एंगल बनाना सीखेंगे, 115 का बनाने के लिए हमें जो 115 का जो एंगल होगा वो हमारा आएगा 105 का बनाएंगे, पहले 105 डिग्री का बना रहे, 105 डिग्री का जो एंगल है वो हमारा 120 और 90 के बीच में आएगा, तो हमें पहले 90 का बनाना होगा और 120 का बनाना होगा, तो बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल का हम बाइसेक्ट कर देंगे तो हमारे पास 105 आ जाएगा। तो ये बेस लाइन बनाएंगे, इस पे पहले तो हम कौन सा एंगल बनाएंगे, यहाँ पे 90 का बनाना है और 120 का बनाना है, दोनों को डॉटेड से शो करेंगे ताकि ज्यादा लाइंस ना हो, कंफ्यूजन ना हो हमें। ये हो गया हमारा 60 का, ये हो गया हमारा 120 का, एक ही एंगल में आपके बाकी सारे एंगल्स की रिविजन भी हो जाती है, तो इसको एक बार प्रैक्टिस करोगे तो सभी आपको आ जाएंगे। यहाँ पे रख के करेंगे, फिर यहाँ पे रख के करेंगे, तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया 90 का। अब हमने कौन कौन से बनाने, एक तो 120 का और एक 90 का, तो डॉटेड से बना लेते हैं, यहाँ पास हमारे पास आ जाएगा 90 का, ये हो गया हमारा 90 का, और 120 का बनाना है, तो यहां से होता हुआ हमारा ये हमारा हो गया 120 का, 120 का, और हमारे पास बन गया 90 का। हमें कौन सा बनाना है, 105 का, 105 का जो है 120 एंड 90 के बीच में होएगा, तो वो एंगल कहाँ पे है, वो एंगल हमारा है यहाँ पे, यहाँ पे इसको सीधा रख लेते हैं थोड़ा सा ताकि आर्क लगानी इजी रहे। अब जहां पे ये लाइन को कट कर रहा है वहां पे कंपास को रख के आर्क लगानी है, जहां पे इधर ये वाला एंगल ये लाइन को कट कर रहा है तो वहां पे कंपास रख के हमें आर्क लगानी है, जहां से ये कट करेंगे वो हमारा एंगल बन जाएगा 105 का, 105 डिग्री का। तो ये एंगल हमारा बन गया 105 का, ये एंगल हो गया 105 का। अब हमने कौन कौन से सीख लिए, हमने सीख लिया 15 का बनाना सीख लिया, 30 का बनाना सीख लिया, 60 का बनाना सीख लिया, 120 का बनाना सीख लिया, 90 का बनाना सीख लिया, 105 का बनाना सीख लिया, और कौन सा रह गया, अब हम एक 45 का बना लेते हैं, 45 का भी जो है वो हमें जरूरत पड़ती है, तो 45 का बना लेते हैं एक एंगल, 45 का बना रहे हैं अब हम 45 डिग्री का। 45 डिग्री का कैसे बनेगा, सबसे पहले तो हमें नीचे एक बेस लाइन लगानी है, बेस लाइन होगी ये हमारी बेस लाइन होगी, सपोज हम कंपास रख रहे हैं इसके बिल्कुल कॉर्नर पे, यहां पे हम कंपास को रख के एक पहले तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये हो गया इधर से, ये हो गया 120 का, 90 का कैसे बनाता है, यहां पे रख के एक कट और फिर
यहां पे रख के कट, तो ये हमारा बन जाता है 90 का। तो ये एंगल हो गया हमारा 90 का, इसको डॉटेड से बनाते हैं, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का। हमें कौन सा बनाना है, 45 बनाना है, तो इस एंगल का बाइसेक्ट कर दो, एक यहां पे रख के आर्क लगा लो यहां पे, और एक इसके यहां कॉर्नर पे रख के एक आर्क लगा लो, जहां पे ये दोनों आर्क कट करेंगे वहां पे हमारा एंगल बनेगा 45 डिग्री का। तो ये एंगल हो गया हमारा 45 का, ये वाला हो गया 45 डिग्री। तो हमने ऑलमोस्ट वो सारे एंगल सीख लिए जो जो हमें जरूरत पड़ेगी। हमें 15 का सीख लिया, 30 का हमें आ गया, 45 का आ गया, 60 का आ गया, और हमने कौन सा सीखा, और हमने 75 का भी सीख लिया, 90 का सीख लिया, 90 के बाद हमने 105 का सीख लिया, 105 के बाद हमने 120 का भी जो है वो बनाना सीख लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंगल्स हैं जो आपको बनाने आने चाहिए।